हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लास स्वागत है आप लोगों का मेरी ऑडियो आ रही सही से हेलो रिवान एक लाइक कर दीजिए सारे लोग दबा के अगर मेरी ऑडियो वगैरह से आ रही है सही से मैं सही सलामत आप लोग को दिख रहा हूँ तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है योगेंद्र मैं देख रहा हूँ वही चीज़ मैं देख रहा हूँ मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ देखते हैं नोटिफिकेशन जाता है कि नहीं चलिए कोई बात नहीं नोटिफिकेशन जाए ना जाए क्या ही कर सकते हैं ना क्या ही हम कर सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन जाना चाहिए पता नहीं क्या हो गया चलिए शुरू करते हैं ना ही जाएगा देखा जाएगा आप लोग बस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी हिंदी के इस खूबसूरत परिवार में आप सभी खूबसूरत स्मार्ट महानुभाव लोगों का जो लगातार मेहनत से लगे हुए हैं आपके अपकमिंग एन को क्रैक करने में ये एग्जामिनेशन पांच फेजेस में होने वाला है इसमें दो फेजेस का निपटारा कल तक खत्म कर दिया जाएगा उसके बाद आपका जो थर्ड फेज स्टार्ट होगा वो आपका तीस तारीख से स्टार्ट होगा आपका तेरह फरवरी के लिए फिर कुछ दिन दो दिन के गया फिर आपका चौथा फेज होगा फिर होगा पांचवा फेज होगा तब तक के लिए लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से इस प्रकार के टेस्ट अवेलेबल कराए जाएंगे जो कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है ऐसे ही प्रश्न आपके भी हमेशा पूछे गए हैं इवन दोस्तों मैं उसके आसपास की डिटेल को भी बता रहा हूं साथ साथ जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी आप तक डिलीवर कर रहा हूं तो बहुत बहुत स्वागत है आ गया है ओके प्रदीप जी ठीक है अगर आप लोगों को मेरी आवाज वगैरह सब कुछ सही है सब कुछ फर्स्ट क्लास दिख रहा है तो आप लोग एक एक थम्स अप कर दीजिए सभी लोग लाइक दबा दीजिए तेजी के साथ दबाइए जय हिंद जय हिंद जय हिंद कृष्णा जी जिससे कि दूर तलक इसको पहुंचे आप लोग वीडियो को शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके फ्रेंड भाई साथी हैं व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे फेसबुक पे जिससे कि इस वीडियो को दूर तक तो पहुंचाया जा सके इसमें आप ही का योगदान होगा आपको शेयर करना ही पड़ेगा और चैनल पर नए हैं तो लगातार चैनल पर क्लासेस अवेलेबल हो रही हैं जो हंड्रेड आपको एग्जाम में हेल्प कर रही है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा तो हम लोग देखने वाले हैं कल इवन आगे के आगे के एग्जामिनेशन के लिए टॉप वन थर्टी क्वेश्चन आज के क्ला आज के क्लास में जी बिल्कुल 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 मेरा एग्जाम अट्ठाईस को है रंजीत जी जिनका भी एक एग्जामिनेशन आगे है एकदम ध्यान से देखिए एंड तड़तड़ 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 लाइक को हंड्रेड के पार तो हो जाना चाहिए था मतलब आते ही कर देना चाहिए बहुत सारे लोगों ने कर दिया है अप्रॉक्सिमेटली फोर्टी फाइव टू सिक्सटी आज के आसपास आप लोग दबा दीजिए दबा के जय महाकाल बाबुल जी जी सभी लोग का स्वागत है रंजीत जी पंकज जी दीपक जी एकदम एकदम सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पे बिट्टू जी ठीक है ठीक है ठीक है टोपी मस्त है सर हाँ टोपी सही है ना एकदम एकदम सत्ताईस को राजेश का एग्जाम है ओके आगे जिनका भी एग्जाम है बस आपको रिवीजन करना है अपने वीकर पॉइंट को देखिए मैथ लगाइए मैथ की प्रैक्टिस कीजिए आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए अपने जो जो भी प्रॉब्लम हो रही हैं जिस भी टॉपिक में जिस पे आप कमजोर कड़ी है उस पर ध्यान दीजिए एग्जामिनेशन में टेस्ट लगाएंगे आप लगातार तो आपको वही कहीं ना कहीं बताएगा जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल कर दिया है लाइक एंड शेयर जी अंजलि जी थैंक्स लॉड थैंक यू सो मच ठीक है तो लेट स्टार्ट जय महाकाल मैं एकदम बढ़िया हूँ एकदम अच्छा हूँ मैं अंजलि कुमारी जी जय महाकाल अभिषेक जी सभी का स्वागत है यस तरत तरत तर, हंड्रेड तर, 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 पार तो अभी भी नहीं हुआ है अभी हम लोग बहुत पीछे हैं हंड्रेड पार करने दीजिए जिनका अपकमिंग एग्जामिनेशन है आप अनैड सॉरी मतलब ये जो स्टडी हिंदी का एप्लीकेशन है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां पे आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा जिनका कल परसों या फिर अपकमिंग में एग्जामिनेशन है ठीक है मेरे हिसाब से अब जो कि तेईस तक लगातार था चौबीस तक है कल एग्जामिनेशन है उसके बाद फिर नहीं होगा मतलब एक दो दिन का गैप है यहाँ पे ठीक है तो मैं आपको जो जो भी चीजें आ रही है एग्जामिनेशन में वो मैं आप तक डिलीवर करूंगा चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आई एम ऑल्सो एजुकेटर एट एन अकेडमी आप मुझे एनअकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं ओम जायसवाल सर्च करके वहां पे मेरे बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं और बहुत सारे कोर्सेज मैं ला भी रहा हूँ आप लोगों के लिए जितने भी टॉप एजुकेटर हैं वहां पे टॉप बैचेज लेके आ रहे हैं आपके लिए जी हाँ आपको लगभग सभी जितने बेहतरीन एजुकेटर हैं, सभी सेगमेंट में रीजनिंग में अच्छा गया है, तो करके एक बैच आ रही है 25 जनवरी से हो रही है। आप इसको कर सकते हैं अन नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा इस बैच को एनरोल कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जो आपका पूरा सिलेबस कवर करेगा फॉर एंड अनलिमिटेड एक्सेस टेस्ट के लिए मिलेगा एजुकेटर पूरे कंट्री से अलग 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 जगह से हैं. वीकली क्विज मिलेगा टेस्ट मिलेगा पीडीएफ मटेरियल मिलेगा डेडिकेटेड डाउट सेशन भी आपको मिलेगा तो बेहद बेहतरीन है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं, अगर आप देखा जाए तो हर हफ्ते तकरीबन तीस बैचेज स्टार्ट हो रही है

तो कभी भी लीजिएगा मुझे बताइएगा जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप लोग सबूत लगा सकते हैं और बहुत सारे फ्री क्लासेस भी मैं अकेडमी पे ला रहा हूं बहुत जल्द आपको उसके लिए भी मैं बुलाऊंगा आप लोग वहां भी आके पढ़ सकते हैं फ्री में ठीक है तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण से गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों तक व उत्तर मालवा तक फैली हुई जिसे आपको पता है तो बताइए कितने वर्ष पुरानी है और इसके लिए मैं एक बार टाइमर लगा लेता हूँ आप लोगों के लिए तो लेट्स स्टार्ट लेकिन टाइमर लगा लेते हैं टाइमर के साथ तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा चलिए ठीक है अब बताइए 2000 BC, 4000 BC, 3000 BC बीसी या फिर 8000 क्या लगता है इस क्वेश्चन में यस यू आर राइट इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीन हजार यहां पे ऑप्शन नंबर सी राइट सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कितनी पुरानी है ये नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन म्यूरल पेंटिंग का भारत में विकास कब हुआ चलिए भाई तो बताना है आप लोग को म्यूरल जो पेंटिंग है डेवलप हुआ इंडिया में कब एकदम इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं किसी को भी मिस मत कीजिए फटाफट बताइए इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हाँ, जो कि दसवीं शताब्दी के आसपास टेंथ सेंचुरी में कह लीजिए इसको स्टार्ट किया गया म्यूरल पेंटिंग अगला देखिए बसीन की संधि किस संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए बसीन की संधि पर देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है एकदम अच्छे से पूरा लगाइए ताबड़तोड़ यहाँ पे हाँ हर टॉपिक का रिविजन अच्छा ठीक है मैं कोशिश करूंगा करना इस चीज के लिए इस क्वेश्चन में सही आंसर की बात करेंगे देखिए 1806 में ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीस हो जाएगा ठीक है सॉरी 1802 1802 में आपका बसीन की संधि हुई थी बीज राइट नेक्स्ट देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसका एक ऐसा SI मात्रक का सही रूप है सुमेलित कीजिए मात्रा और उसका एसआई SI मा, असाई मान जो है कौन सा है बताइए फ्रिक्वेंसी का हर्ट्स मैग्नेटिक फ्लक्स का टेक्सला प्रेशर का पासकल या फिर इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमेंट सीमेंट्स क्या होगा इस क्वेश्चन में आंसर सही सुमेलित करना है यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है नेपाल जी तो आप अपना वो बढ़ा लीजिए क्वालिटी बढ़ा लीजिए इस क्वेश्चन में सही आंसर की बात करेंगे दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मद्रास में वेद समाज की स्थापना कब की गई सभी के आंसर आने चाहिए इस क्वेश्चन में मद्रास में वेद समाज की स्थापना कब की गई अठारह में अठारह में अठारह में, में, में या फिर अट्ठारह में हर हर महादेव विशाखा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन देखिए ये आपका हुआ था 1864 में ठीक है 1864 में मद्रास में ठीक है तो आपको बताना है दोस्तों कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था 1864 में अठारह में अठारह में या फिर 1860 में तो कमेंट करके बताएंगे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था अठारह में अठारह में अठारह में या फिर अठारह में सभी लोग उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों तीस जनवरी जनवरी उन्नीस में उनकी मृत्यु हुई थी ठीक है तो क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा अठारह में दो अक्टूबर अठारह में उनका जन्म हुआ था अगला क्वेश्चन देखिए एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है एक गतिशील वस्तु जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टेंसली अचीव करती है क्या ऊर्जा स्थिति ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा या फिर ताप ऊर्जा करेक्ट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा वो एक काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं प्राप्त करती है गतिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में हो जाएगा छठवें का ए इज राइट अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए उन्नीस पंद्रह और सोलह में स्थापित होम रूल लीग निम्नलिखित में से किसकी सहायता इकाई के रूप में काम करती है होम होम रूल लीग मुस्लिम लीग की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदिवासियों की या फिर ब्रिटिश राज की कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए चैनल पे नए हैं तो क्लासेस रेगुलर है। करके बेल बटन नहीं दबाते तो और इस तरीके से घंटे का निशान होगा इस पे इस पे ऑन कीजिएगा करेक्ट आंसर दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आपके एग्जामिनेशन में देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट यहाँ पे बी से जाएगा इस क्वेश्चन में अगला देखिए एक देखिए आपका ब्लोटिंग पेपर स्याही किस के आ, क्रिया के द्वारा क्रिया द्वारा हो सकता है आपका देखिए एक तरीके से आ, जो फ्लोटिंग पेपर है स्याही को सूखने का काम करता है वो कौन सा है मतलब उसका काम क्या है स्याही को सूखा करके कोशिका क्रिया के द्वारा यहाँ पे ठोसकरण प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों तो ब्लॉटिंग पेपर इंक दोस्तों केशिकत तो बोलते हैं यहाँ पे देखिए कोशिका जो क्रिया होती है केशिका क्रिया की वजह से होता है ऑप्शन नंबर यहां पे बी से जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे शिमला समझौता जो हुआ था 1972 में उसमें किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे भारत एवं पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों द्वारा इंदिरा गांधी और जेड ए भुट्टो द्वारा इंदिरा गांधी एवं बनिजीर भुट्टो द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी परवेस मुसररब के द्वारा तो किसके द्वारा किया गया था यह बताना है राधे-राधे राधे-राधे पीडीएफ एफ में दे दूंगा हाँ आज की नहीं दिया है कल तक का मैंने दे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा इंदिरा गांधी व जेड ए भुट्टो के द्वारा उसमें सिग्नेचर किए गए थे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपको पता है दोस्तों पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था नाइनटीन में और इमरजेंसी भी आपका नाइनटीन में लगा है इसके बाद नाइनटीन में इमरजेंसी चाइना वार में है,

कंपन पूर्ण करती है एक कड़ है माध्य में 2.5 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ठीक है व्हाट्सएप पर भी ग्रुप बना दीजिए ओके ट्राई करते हैं क्वेश्चन देखिए एक को जो कि ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किया गया किसको एक को सॉरी हाँ ग्लाइको ग्ला, ग्लाइको ड्रैगन राजा के के रूप में किसे स्थापित किया गया था उनका नाम क्या था यहां पे थोड़ा सा अजीब कह सकते हैं लेकिन सही आंसर की बात करेंगे तो इनका नाम है उगेन वांगचुक ऑप्शन नंबर सी सी उगेन इज राइट अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस उपकरण में केवल उत्तर लेंस का प्रयोग होता है निम्नलिखित में से किस उपकरण में केवल उत्तर लेंस का प्रयोग होता है कार हेडलाइट में फ्लैश लाइट में माइक्रोस्कोप में या फिर बायोस्कोप में किस में होता है ये

राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक मिनट कौन सा कथन गलत लिखा है कौन सा कथन गलत है कौन सा रॉन्ग है आपको बताना है पढ़ते हैं देखिए यहां पे नीति नीतियां बनाने और कानून अभिनित करते हुए राज्य को ध्यान रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है वह समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देता है इसलिए सामाजिक और सामाजिकता के बारे में है या उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर प्रवर्तनी नहीं है यह अपने आप प्रवर्तनी होती हैं और इन्हें कार्यावन करने के लिए भी किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती तो इस क्वेश्चन में जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी ठीक है क्या लिखा है यहां पे यह या अपने आप प्रवर्तनी होती हैं ऐसा पॉसिबल कभी नहीं है अपने कार्यान्वयन के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं ऐसा कुछ नहीं है आपको कानून की आवश्यकता पड़ेगी तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ठीक है आगे देखिए मिश्रण प्रकृति में क्या हो सकता है किस प्रकार से क्या लगता है दोस्तों यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन में प्रकृति में समांगी है विश है समांगी विस्मांगी दोनों या फिर यौगिक यस yes, इस क्वेश्चन में इतना बड़ा ऑप्शन ना घबरा गया आप लोग कम ऑप्शन को डाउन करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में सही आंसर की बात करेंगे देखिए समांगी और विश्व दोनों प्रकृति में देखिए ऑप्शन नंबर सी समांगी और विश्वांगी दोनों होते हैं मिश्रण अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखते हैं देखिए कितने लोग का आंसर आता है इस क्वेश्चन में राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निकले से कौन सा गलत है आराम से सभी लोग आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा कथन गलत है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसी प्रकार से आ रहे हैं तो उसी हिसाब से बनाया गया है राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति पद के समरूप होता है वाह मोदी जी वाह राज्य स्तर पर राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जाता है जब तक वो अपने पास विधानसभा से बहुमत प्राप्त न कर ले तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आंसर की बात करेंगे राइट right हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समर्पण रूप होता है ऐसा कुछ भी नहीं है बाकी तीनों चीज सही है यहां पे लेकिन हाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट अगला क्वेश्चन देखिए यदि आप दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण किस प्रकार का है बताइए हाँ फटाफट बताइए फटाफट बताइए यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि ये देखिए एक नया सेट है आप लोगों के लिए हाँ बस इस बस एक ही है मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है दोस्तों तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण इस नंबर डी से जाएगा यहाँ पे उत्तल दर्पण अगला क्वेश्चन देखिए ब्लू मून क्या है ब्लू मून क्या है महीने में आने वाला पहला पूरा चांद महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद चांद का एक अन्य नाम चंद्र ग्रहण के दौरान चांद इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पे ऑप्शन नंबर बी महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद जो कि आपका ब्लू मून है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह व आवर्त मौजूद हैं क्या होगा इस क्वेश्चन में आंसर जी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में राइट right आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी अट्ठारह समूह सात आवर्त होते हैं टोटल अठारह समूह और सात आवर्त होते हैं टोटल अगला क्वेश्चन देखिए ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहां पर स्थित है ब्लैक रॉक रेगिस्तान जो है कहां पर स्थित है यहां पे क्या लग रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहां पर स्थित है जी सही आंसर की बात करेंगे तो ये चाइना में स्थित है यहां पे चाइना में होगा यहां पे इंग्लिश में इडिप लिखा है तो ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहां पे है तो चाइना में है अगला देखिए इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है इसमें से कौन सी गैस जो है वो अजनबी गैस कहलाती है जेनॉन नियॉन या फिर आर्गन जेनॉन नियॉन क्रिप्टॉन या फिर आर्गन अजनबी गैस बोलते हैं कौन सा गैस है इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका जेनॉन इज द राइट आंसर ठीक है जेनॉन एक अजनबी गैस कहलाती है कौन सी गैस कहलाती है अजनबी गैस कहलाती है जेनॉन अगला क्वेश्चन देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण नियमन कौन सा केंद्रीय बैंक करता है क्षेत्रीय ग्रामीण जो oh. बैंक होते हैं उसका नियंत्रण निगमन जो करता है कौन सा केंद्रीय बैंक करता है बताइए एक मिनट कुछ ठीक है चलिए बताइए भारी जल का अणुभार कितना होता है भारी जल का अणुभार कितना होता है दस चौदह बीस या फिर छब्बीस भारी जल जैसा मैं आपको बता चुका हूं पहले भी डी टू ओ होता है ड्यूटोरियम ऑक्साइड और इसका सबसे ज्यादा उत्पादन अगर आपसे पूछेगा कहां पे दोस्तों तो उड़ीसा में होता है इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है उड़ीसा में होता है ये नाभिकीय रिएक्टर में मंदक मंदक का, का काम करता है यहां पे अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था सदर पिटलैंड ऑसबोर्न स्मिथ रॉबर रोड्रिगो या फिर इनमें से कोई नहीं कौन था ये कौन था फटाफट बताइए इस क्वेश्चन में सही आंसर की बात करेंगे तो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सदर पिट बैंक इज द राइट पिटलैंड इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इस क्वेश्चन में ठीक है नेक्स्ट देखिए दल विरोधी कानून कब पारित हुआ दल विरोधी कानून कब पारित हुआ 1956, 1963, 1978, 1985। दल विरोधी कानून इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका देखिए 1985 सन 1985 में दल विरोधी कानून पारित किया गया था अगला क्वेश्चन देखिए होलकर ने किस वर्ष अंग्रेजों में मंदसौर की संधि की थी होलकर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी उन्नीस सौ अठारह अठारह सौ अठारह सत्रह सो अठारह सोलह सौ अठारह कब किया था जी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए अठारह सो अठारह में होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी तो ऑप्शन नंबर बी अठारह सो अठारह में अगला देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है आप लोग वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर करते रहिए सभी लोग जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा क्लासेस का यस yes, यू आर right. राइट राष्ट्रपति पर महाभियोग राष्ट्रपति पर महाभियोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए देखिए अमेरिका से लिया गया है यूएसए से लिया गया है और ये आर्टिकल नंबर इकसठ से संबंध रखता है ना इकसठ से संबंध रखता है जिसमें महाभियोग लगता है अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकाशी द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है वो कौन सा प्रकाशी यंत्र है जिसमें जो बादलों के दिशा और हम लोग गति को मापते हैं गति को टेस्ट करते हैं टेकोमीटर लिम्फोमीटर नेफोमीटर या फिर अल्टीमीटर कौन होता है ये टेकोमीटर लिम्फोमीटर नेफोमीटर या फिर अल्टीमीटर किस प्रकाशी यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एम गति को मापा जाता है दोस्तों सेंसर की बात करेंगे तो नेफोमीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेफोमीटर के द्वारा दोस्तों हम लोग बादलों की दिशा और गति को मापते हैं अगला देखिए क्वेश्चन मुंबई उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी आज क्यों गलत हो रहा है है बस एकदम एकदम लाइक लाइक ठोक दिया है सर जी एकदम दबा दीजिए एंड शेयर मुंबई उच्चतम न्यायालय की स्थापना दोस्तों हुई थी एटीन में ऑप्शन नंबर बी देखिए यहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुंबई उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन से हैं तो उनका नाम बता सकते हैं आप लोग चीफ जस्टिस का नाम इनका नाम है दोस्तों दीपांकर दत्ता इनका नाम क्या है दीपांकर दत्ता कहां के है? ये हैं यह है मुंबई के ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो है कहां पर स्थित है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज बेंगलुरु चंडीगढ़ राय बलेरी बरेली नई दिल्ली सर आज कुछ भी नहीं आ रहा है नहीं ऐसा नहीं हो सकता धीरे धीरे आएगा क्वेश्चन का लेवल में थोड़ा सा किया हूं लेकिन नहीं ठीक है वैसे क्वेश्चन इसी तरह इंपॉर्टेंट है तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में है यहां पे बेंगलुरु कहां की कैपिटल है बेंगलुरु कहां की कैपिटल है अगर बताइए आप लोग इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछा था तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है तो बेंगलुरु में है, इसका हेडक्वार्टर है यहां पर ठीक है नेक्स्ट देखिए फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है फूलों की घाटी यह भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है तो बताइए फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है उत्तराखंड छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर <coughs> तो सही आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में है ना यूके में है यस यू आर राइट एंड कर्नाटका जो है कैपिटल एंड uh, उत्तराखंड का एक और कैपिटल बना है ग्रीष्मकालीन एक तो आप लोग को पता ही है देहरादून है तो एक और जो है दोस्तों आपको बताना है एक और ग्रीष्मकालीन और हमको पता है 1936 में सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कार्बेट जो है ये पे लोग हेली भी कहते हैं। तो दोनों चीजें याद रखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन किस वर्ष किया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन कब किया गया उन्नीस में उन्नीस सौ तिरानवे में क्या लगता है क्या होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया गया उन्नीस में 1993 ऑप्शन नंबर इज राइट अगर आपसे पूछा जाएगा जलिया वाला बाघ हत्याकांड इन सभी ऑप्शनों में से कब हुआ था तो तेरह अप्रैल और वो सन बताइए इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा है ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था जनरल डायल के आदेश पर अंदाधुन गोलियां चला गई थी चेम्स बोर्ड का उस टाइम गवर्नर थे वहां के मतलब कार्यकाल था कह सकते हैं तो यस यू आर राइट इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका तेरह अप्रैल उन्नीस सौ उन्नीस इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज राइट अगला देखिए अ सेक्युलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है अ सेक्युलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है एंड uh, आप सभी लोग फटाफट लाइक एंड शेयर मारते रहिए दबा के लाइक एंड शेयर करते रहिए सारे लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर ले क्योंकि रेगुलर बेसिस पे क्लास चल रही है एक भी दिन क्लास मिस मत कीजिए अ सेक्युलर एजेंडा पुस्तक के लिखे दोस्तों अरुण सॉरी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से जाएगा सेरी सेवरी अगला क्वेश्चन देखिए उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने घटाने का अधिकार किसको दोस्तों होता है, तो है, right है? तो तो है संसद के पास किसके पास होता है संसद के पास होता है ठीक है अब देखिए संसद हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर सेवेंटी नाइन में है लोकसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा के बारे में के बात की गई है पचहत्तर में राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है बावन में तो ये आर्टिकल भी आप क्वेश्चन देखिए चकमा शरणार्थी का संबंध किससे चकमा शरणार्थी जो रिप्यूजी है पे बांग्लादेश अफगानिस्तान श्रीलंका फिर पाकिस्तान कहां से संबंध रखते हैं यस यू आर राइट इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश बांग्लादेश इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से जाएगा चकमा शरणार्थी संबंध कहां पे है बांग्लादेश से और अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि बांग्लादेश से हमारी बाउंड्री कितनी किलोमीटर की है बांग्लादेश क्योंकि हमारा सबसे बड़ा बाउंड्री साझा करता है कोई ऐसा पड़ोसी देश दोस्तों जो सबसे ज्यादा बाउंड्री साझा करता है तो वो आपका बांग्लादेश है चालीस छियानबे किलोमीटर ना चार हजार छियानबे किलोमीटर का जो कि वो बाउंड्री साझा करता है और तीन तरफ से एक भारतीय स्टेट है आप लोग कमेंट करके बताना है वो कौन सा भारतीय स्टेट है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ठीक है बताइएगा कमेंट करके आप लोग आगे बढ़ते हैं 40 96 आगे बीमा क्षेत्र का विनिमय कौन करता है बीमा क्षेत्र का विनिमय कौन करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई IRDA IRDA इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका IRDA इज द राइट आंसर कौन करता है बीमा क्षेत्र का विनिमय बहुत बार क्वेश्चन हमसे पूछा गया है आपके परीक्षाओं में भी आया है काफी बार आई आर डी ए याद रहेगा भूलिएगा मत ना बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जिसका फुल फॉर्म है बहुत बार आपसे पूछा भी गया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं सेव के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है सेव के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है जम्मू कश्मीर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा इस क्वेश्चन में सही आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेव के उत्पादन में सबसे ज्यादा देखिए अग्रणी है आपका जम्मू कश्मीर मैंने आप लोग को बताया था और हमारे क्वेश्चन भी आया था एग्जामिनेशन में शहर कहते हैं महलो का शहर किसे कहते हैं ठीक है तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे झीलों का शहर उदयपुर है नवाबों का शहर लखनऊ है ठीक है तो आपको बताना है है कि महलों का लोग लोग किसे किसे कहते हैं हैं ना सभी बताइएगा आगे बढ़ते कोयला कहा जाता सफ़ेद कोयला व्हाइट कोल आपको ऊपर क्लिक करके अपनी क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आपको दिखने लेंगे। अपनी क्वालिटी बढ़ा देंगे तो साफ दिखने लगेगा इस क्वेश्चन में जाएगा दोस्तों जल विद्युत राइट आंसर हाइड्रो पावर हाइड्रो पावर को हम लोग श्वेत कोयला कहते हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर एंड कोलकाता को हम लोग महलों का शहर कहते हैं अगला देखिए महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी पहली शताब्दी दूसरी शताब्दी तीसरी चौथी शताब्दी यस सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में आप लोग का महरौली स्थित दूसरी शताब्दी हाँ ये आपका देखिए हुआ था राइट आंसर आपका चौथी शताब्दी में कब हुआ था ऑप्शन नंबर डी चौथी शताब्दी में अगला क्वेश्चन देखिए दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है दिख रहा है मैंने बता दिया है राज से आप तीन होगा, क्लिक करके बढ़ा लीजिए अगर आपसे पूछा जाएगा सही है इस क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोरला रोहनी इज द राइट आंसर पहली मुख्य महिला मुख्य दिल्ली हाईकोर्ट की अगर हमसे पूछा जाएगा दोस्तों कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर लोकसभा की फर्स्ट महिला स्पीकर कौन है दोस्तों जैसे सत्रहवीं लोकसभा के तत्कालिक अध्यक्ष का नाम अगर आपसे पूछेगा तो कौन है तो ओम बिरला है इनके पहले दोस्तों का नाम था दोस्तों सुमित्रा महाजन था लेकिन आपको बताना है फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर का नाम ना हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है तो बताइएगा सब लोग कमेंट करके तेजी से बताइए आगे बढ़ते हैं विश्व भारती का मुख्यालय मुख्याल कहां पे है विश्व भारती का मुख्यालय कहां पे है विश्व भारती कहां पे है मीरा कुमारी नहीं मीरा कुमार मीरा कुमारी नहीं उनमें कुमारी नहीं।, नहीं लगा हुआ है मीरा कुमार है ठीक है कुमारी नहीं है इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता इज द राइट आंसर कोलकाता इज द राइट आंसर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी यह भी क्वेश्चन याद रखेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा करवाया गया था कोलकाता इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कथा सरित सागर पुजरा जो पुस्तक है दोस्तों इसके रचयिता कौन है कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता अरुंधति राय महादेवी वर्मा सकुंतला देवी या फिर सोमदेव एंड आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए दूसरों तक फटाफट इसको पहुंचाइए अन्य सभी लोगों तक एंड एकदम सही सही आंसर मारिए कथा सरित सागर दोस्तों सोमदेव के द्वारा लिखा गया ऑप्शन नंबर यहां पे डी से हो जाएगा डी से हो जाएगा यहां पे ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए अभिनव भारत की स्थापना किस, किस वर्ष हुई अभिनव भारत की स्थापना किस, किस वर्ष हुई 1902 में 1904 में 1906 में या फिर 1908 में क्या लगता है 1902 में 1904 में 1906 में यस यू आर राइट इस क्वेश्चन में सही आंसर की बात करेंगे तो राइट right आंसर हो जाएगा 1904 में 1904 में ठीक है और इसी में दोस्तों मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में फिनिक्स की स्थापना कब की थी फिनिक्स की स्थापना कब की थी साउथ अफ्रीका में तो वो भी 1904 में ही उन्होंने किया था ठीक है और वो लौटे कब थे तो 9 जनवरी 1915 सौ पंद्रह को वापस लौटे थे 1916 में साबरमती का निर्माण किया 1917 में चंपारण 1920 में असहयोग आंदोलन उन्नीस सौ बाईस में वापस ले लिया 1930 में डांडी यात्रा 1931 में द्वितीय गोलमेज में भाग लिया ठीक है और ये सारे क्वेश्चन है आप लोग ध्यान दीजिएगा याद कीजिएगा इसको आगे बढ़ते हैं पर्यावरण के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं पर्यावरण के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं बताइए हिपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी इकोलॉजी या फिर साइकोलॉजी पर्यावरण के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं सही आंसर दोस्तों जाएगा इकोलॉजी बोलते हैं ना पर्यावरण के अध्ययन को हम लोग ठीक है बिग बैंग थ्योरी के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं बिग बैंग बैंग थी के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन पूछा था कॉस्मोलॉजी बोलते हैं ना मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं पीसी कल्चर बोलते हैं ना रेशम के कीटो के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं तो उसको बोलते बोलते हैं सेरी कल्चर बोलते हैं ठीक है तो ये सब विज्ञान के अलग अलग संख्याएं उनके अध्ययन से क्वेश्चन आपके से पूछा जा रहा है अगला देखिए शारदा एक्ट किस अंग्रेज के द्वारा बनाया गया है शारदा एक्ट जो है वो किस अंग्रेज के द्वारा बनाया लॉर्ड अल्होजी लॉर्ड ऑकलैंड लॉर्ड इरविन लॉर्ड क्या होगा आंसर इसका बताइए एंड लाइक करते रहिए आप लोग तेजी के साथ जितने लोगों ने नहीं किया है लाइक सभी लोग लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए दबा के यस यू आर राइट यहां पे देखिए लार्ड इज़ द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से जाएगा आपका लार्ड इरविन नेक्स्ट देखिए पैन नंबर देने की संतुति किस समिति ने की थी ओके okay, बताइए तेजी से पैन नंबर देने की संतुति किस समिति ने की थी कौन सी समिति थी वो दोस्तों यह समिति थी राइट आंसर हो जाएगा महावीर त्यागी समिति ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट देखिए द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है बनारस से मैं हूं अच्छा विशाल जी आप बनारस से हैं द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है इस क्वेश्चन में सही आंसर की बात करेंगे विजय लक्ष्मी पंडित इज द राइट आंसर द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक है यहां पे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बताइए 9 अक्टूबर 8 अगस्त 5 सितंबर या फिर 2 दिसंबर 2 दिसंबर लाइक कर दिया हजर जी बिल्कुल बिल्कुल बाकी सारे लोग भी कर दीजिए आई एम फ्रॉम ओके इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राइट right आंसर आपका आठ अगस्त इज द राइट आंसर ठीक है आठ अगस्त अगस्त की जगह अगर हम लोग आठ अक्टूबर कर देते तो कौन सा दिवस मनाया जाता चलिए आप लोग बताएंगे आप लोग को ऑप्शन दे रहा हूं ना आठ अक्टूबर को क्या मना सकता है आर्मी दिवस हो सकता है कि आपका नेवी दिवस मनाया जाए हो सकता है आपका एयर फोर्स दिवस मनाया जाए हो सकता है आपका कोस्ट गार्ड दिवस मनाया जाए तो आठ अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं बताइए आठ अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं तो आठ अक्टूबर को हम लोग फोर्स डे के रूप में मनाते हैं ठीक है आर्मी दिवस हम लोग पंद्रह जनवरी को मनाते हैं नेवी दिवस हम लोग चार दिसंबर को मनाते हैं कोस्ट गार्ड दिवस हम लोग एक फरवरी को मनाते हैं ठीक है एकदम रट लीजिएगा इसको पूछेगा आपसे अगला क्वेश्चन ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है ब्राजील के घास के मैदान को सर ब्रिजनौर जरूर आना आ, यूपी ओके विशाल जी कभी मौका मिला तो जरूर आएंगे जी फटाफट बताइए ब्राजील के घास के मैदान को हम लोग बोलते हैं कंपोज आंसर right अगला देखिए क्वेश्चन ओजोन का रासायनिक सूत्र है भगवान इतना कठिन क्वेश्चन कोई नहीं बता पाएगा इस क्वेश्चन को। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है एंड बहुत सारे लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं दबाया है तो दबा दीजिए लाइक फटाफट एंड शेयर कर दीजिएगा इसको यस yes, इस क्वेश्चन में आप लोग का करेक्ट आंसर जाएगा ओजोन का रासायनिक सूत्र है आपका ओ थ्री इज द राइट आंसर ठीक है जो कि इस में पाई जाती है जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावाट वेव को रोकती है हमारे पृथ्वी पे नहीं आने देती है उसको अगला देखिए इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है कोनुको हुमा तुगा तुमराई कैसा होता है भाई कोनुको हुमा तुगा या फिर तुमराई तो यस राइट इंडोनेशिया में जो कि हुमा नाम की एक स्थानांतरित कृषि होती है ना ऑप्शन नंबर बी इज राइट अगला देखिए सल्तनत काल में सदका क्या था सदका किया हाँ, गाना सुना होगा आप लोगों ने इज द ऑफ सदका सल्तनत काल में सदका का मतलब क्या होता था धार्मिक टैक्स रिलीजियस टैक्स था सिंचाई टैक्स था कह लीजिए राजस्व टैक्स था या फिर इनकम टैक्स था किस प्रकार का टैक्स था चलिए तो कंफर्म हो गया कि टेस्ट था तो किस प्रकार से टेस्ट था सदका का मतलब दोस्तों ये एक रिलीजियस टेक्स था धार्मिक टेक्स लगता था दोस्तों सल्तनत काल में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में अंगूर की खेती को हम लोग क्या कहते हैं चलिए बताइए धार्मिक टैक्स बिल्कुल सही सही आंसर जा गया आप लोग का तो बताइए अब क्या लगता है यहाँ पे अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है अंगूर की खेती को वीटी कल्चर प्रोमोकल्चर हॉर्टिकल्चर या फिर एरो पोर्टिक कल्चर अंगूर की खेती को दोस्तों हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए वीटी कल्चर इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वीटी कल्चर बोलते हैं अंगूर की खेती को अगला क्वेश्चन देखिए सन्यासी विद्रोह कहां हुआ था सन्यासी विद्रोह कहां पे हुआ था बंगाल बिहार झारखंड या फिर मणिपुर इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा यह हुआ था आपका बंगाल में ऑप्शन नंबर ए अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि चाक हाओ एक कह लीजिए चावल है जिसको रिसेंट में जीआई टैग दिया गया वो कहां का है तो वो है आपका मणिपुर का आगे बढ़ते हैं ओजोन संबंधी समझौता किस वर्ष हुआ यस बताइए समझौता आप लोग अपने आप को डेली बेसिस पे टेस्ट करते रहिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे देखिए 1985 में सन 1985 में हुआ था ठीक है वियना समझौता कब हुआ था 1985 में अगला देखिए अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो हम लोग फोर्ट हंड्रेड लाइक के करीब पहुंच गए हैं आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं दबा दीजिए लाइक एंड शेयर तेजी से ताबड़तोड़ तरीके से अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष दोस्तों थे स्वामी सहजानंद एज राइट कौन थे स्वामी सहजानंद अगला देखिए चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स जॉन साल्क एडविन एल्डिन या फिर चार्ल्स प्राउड किसको कहते हैं चिकित्सा शास्त्र का जनक तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चिकित्सा शास्त्र के जनक हम लोग हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं किसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए देखिए हिप्पोक्रेट्स को बोलते हैं ए इज राइट अगला क्वेश्चन देखिए का जुड़वा नगर कौन सा है कोचिन का जो जुड़वा नगर है वो कौन सा है कोची एर्नाकुलम विशाखापट्टनम या फिर इनमें से कोई नहीं तो कोचिन का जुड़वा नगर है दोस्तों राइट right आंसर हो जाएगा एर्नाकुलम इज द राइट right आंसर ऑप्शन नंबर बी एर्नाकुलम अगला देखिए लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है लोहे का शुद्धतम रूप ढलवा लोहा पिटवा लोहा स्टील या फिर मृदु लोहा शुद्धतम रूप कौन सा है यस 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 तेजी से बताइए आप लोग ताबड़ तोड़ आंसर आना चाहिए आप लोगों का तो लोहे का शुद्धतम रूप दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका पिटवा लोहा इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा अगला देखिए यूरोपियन संसद का प्रथम संसदीय चुनाव किस वर्ष हुआ था यूरोपियन संसद का प्रथम संसदीय चुनाव किस वर्ष हुआ था 1961, 1979, 1984 या फिर 1985? जी यूरोपियन संसद का प्रथम संसदीय चुनाव हुआ था सन उन्नीस में और दोस्तों इसी में किसको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में ही शांति के लिए आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसको दिया गया था जैसे 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला था शांति के लिए इसी तरह दोस्तों मदर टेरेसा को दिया गया था 1979 में अल्बीनिया के रहने वाली हैं शांति के लिए उनको पुरस्कार दिया गया था अगला देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए कहीं पे भी व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप जो भी आपका ग्रुप है वहां पे इस वीडियो को शेयर कीजिए बताइए सबको क्लासेस रेगुलर चल रही हैं हर रोज चल रही हैं तो आपको 100 परसेंट हेल्प मिल रहा है करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे प्रथम इज द राइट आंसर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी किसने की थी तो नाग भट्ट प्रथम अगला देखिए सार्क कृषि केंद्र कहाँ पर स्थापित है कल किसी का एग्जाम है कल चौबीस तारीख में किसी का एग्जामिनेशन है यस यहाँ पे आइए सार्क कृषि केंद्र की स्थापना दोस्तों ढाका में हुई थी ऑप्शन नंबर सी इज राइट ढाका इज द राइट आंसर हुई थी ढाका में अगला देखिए किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है अजय पाल जयपाल पृथ्वीराज चौहान या फिर अनंग पाल जाता है दोस्तों इस क्वेश्चन में सही आंसर की बात करेंगे ऐसा ये जाता है आपका अनंग पाल को जाता है दिल्ली शहर की स्थापना करने के लिए ठीक है डी इज राइट डी 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 इज राइट यहां पे अगला देखिए क्वेश्चन चाक का रासायनिक नाम क्या है वॉट इज द केमिकल नेम ऑफ चाक चाक का रासायनिक नाम क्या है कैल्शियम ऑक्साइड कैल्सियम सल्फेट कैल्सियम कार्बोनेट या फिर इनमें से कोई नहीं तो सही हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में राइट आंसर आपका ये है आपका कैल्सियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कैल्सियम कार्बोनेट चाक का रासायनिक नाम है अगला देखिए चोक राजाओं में किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया राजाओं ने कौन से धर्म को संरक्षण प्रदान किया था वैष्णव धर्म धर्म बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म 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 बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म किसको इस क्वेश्चन में सही आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो धर्म को ऑप्शन नंबर यहां पे बी से जाएगा अगला देखिए तेरह ताली किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है तेरह ताली ये क्लास डेली साढ़े आठ बजे आती है साढ़े आठ बजे एक क्लास आपकी मॉर्निंग में दूसरी क्लास दोपहर में रिव्यू के साथ इस क्वेश्चन में सेंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान की एक लोक नृत्य है प्रमुख लोक नृत्य है तेरह ताली अगला देखिए सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है ताबड़तोड़ बताइए आंसर एंड सब लोग लाइक मारते रहिए शेयर करते रहिए दोस्तों तो सो, मंदिर दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा अगला देखिए विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है पांच सितंबर छह सितंबर सात सितंबर आठ सितंबर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आठ सितंबर को हम लोग मनाते हैं यहाँ पे विश्व साक्षरता दिवस हाँ विश्व साक्षरता दिवस आठ सितंबर को हम लोग मनाते हैं इजी वन अगला देखिए पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि जो थे वो कौन थे चंद्र बरदाई कालिदास हरिसेण या फिर रविकृति क्या नाम था उनका यस सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में देखिए हो जाएगा चंद्र बरदाई द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा यहाँ पे चंद्र बरदाई क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहां कहां पर स्थित स्थित है 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 इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस जो भोपाल भुवनेश्वर बेंगलुरु या फिर गोवा जी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस दोस्तों आपका भुवनेश्वर में स्थित है ऑप्शन नंबर बी इज राइट कहां पर स्थित है भुवनेश्वर में अगला देखिए अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे इजी वन इलतुतमिस फिरोज शाह तुगलक अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन अमीर खुसरो दोस्तों यहाँ पे दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन नंबर सी इज राइट right. नेक्स्ट देखिए दोस्तों हु आर इन्वेंटेड द स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया जोसेफ बियरले हैरी प्रियरले हेनरी साल या फिर इनमें से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा आपका हैरी ब्रियरले इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट देखिए सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है सिडबी का मुख्यालय कहां पे इलाहाबाद लखनऊ वाराणसी या फिर प्रयागराज तो सिडबी का मुख्यालय दोस्तों है आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए लखनऊ में कहां पे है है पे लखनऊ में नेक्स्ट देखिए चांद बीबी का विवाह किससे हुआ था एंड हम लोग 500 लाइक के करीब में है तो फटाफट आप लोग लाइक दबा दीजिए जिससे तेजी से हो जाए जल्दी से हो जाए सभी लोग दबा दीजिए लाइक एंड शेयर डेली क्लास चलती है किसी भी दिन मिस मत कीजिए चांद बीबी का विवाह दोस्तों आदिल शाह से हुआ था ऑप्शन नंबर ए इज राइट अगला देखिए राइन नदी किस घाटी से बहती है राइन नदी जो है जो किस घाटी से बहती है क्लास की टाइमिंग साढ़े आठ बजे रात में डेली लाइव है सुबह आठ बजे एंड शाम के चार बजे तीन टाइम लगातार क्लास चल रही है इस क्वेश्चन में जाएगा भ्रंश घाटी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यहाँ पे अगला देखिए बौद्ध स्थल ताबो मठ कहाँ पर स्थित है बौद्ध स्थल ताबो मठ कहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश उड़ीसा नागालैंड या फिर हिमाचल प्रदेश तो बौद्ध स्थल ताबो मठ आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है ऑप्शन नंबर डी इज राइट नेक्स्ट देखिए ब्रुनेई किस महाद्वीप में स्थित है ब्रुनेई किस महाद्वीप में स्थित है यस यू आर राइट आंसर की बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप में स्थित है ए इज राइट अगला देखिए डाक टिकट संग्रह का शौक क्या कहलाता है अगर आप डा, डाक डाक टिकट को जुटाते हैं यहां पे तो आज कठिन लग रहा है नहीं एकदम डेली बेसिस पे दीजिए आपको सारे क्वेश्चन में रिवीजन करा रहा हूं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक वाइज जैसे जैसे टॉपिक पूछा जा रहा है करेक्ट आंसर आंसर यहां पे देखिए इज द राइट ऑप्शन नंबर बी डाक टिकट संग्रह का शौक क्या कहलाता है फिलाटेली डिएगो 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 गार्सिया 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 किस किस महासागर महासागर में में स्थित स्थित है है दोस्तों तो ये स्थित है आपका हिंद महासागर में ऑप्शन नंबर ए इज राइट किस महासागर में स्थित है हिंद महासागर में अगला देखिए कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है कौन सा ऐसा ग्रह है जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है साइंस के क्वेश्चन को भी हम लोग लेके आ रहे हैं लगातार पे आपको चीजें मिल रही हैं। थोड़ा सा बस इंतजार करिए आपको हर एक वो चीज इंपॉर्टेंट जो मिलेगी करेक्ट तो जाए हरा प्रकाश आपका वरुण का है ऑप्शन नंबर पे बी से जाएगा वरुण 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 अगला देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है बताइए इजी है ये भी उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है जी बिल्कुल सिल जाएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर आपका ये आपका आठ राज्यों से मिलती है प्लस एक यूनियन टेरेटरी तो नौ राज्यों के साथ हो जाएगी वैसे तो आठ राज्यों के साथ है 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 पे ठीक नेक्स्ट देखिए हवाई हवाई द्वीप द्वीप समूह समूह किस 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 नदी महासागर महासागर में में स्थित स्थित आप सभी लोगों ने बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है दिल से धन्यवाद आप लोगों का दिल से धन्यवाद है जी अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रशांत महासागर यहां पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर नेक्स्ट देखिए सामान्य ताप पर किसी गैस से में एक ग्राम अड़ु का आयतन कितना होता है सामान्य ताप पर किसी गैस के एक ग्राम अड़ु का आयतन कितना होता है 22.2 लीटर 24, 24.2 लीटर या फिर 22.4 लीटर 24.4 लीटर यस यू आर राइट फिर ट्वेंटी बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखिए चार लीटर इज द राइट आंसर ठीक है बाईस लीटर अगला देखिए धूम्रपार पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश का नाम बताना है आपको फटाफट तेजी के साथ बताइए सभी लोगों के मैं कमेंट भी देख पा रहा हूं पे आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा सभी लोग जी बिल्कुल बिल्कुल होने होना चाहिए सभी लोग का इस क्वेश्चन में सही आंसर की बात करेंगे दोस्तों हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए ए भूटान इज द राइट आंसर ठीक है भूटान सबसे पहला देश है अगर आपसे पूछा जाएगा थिंपू कहां की राजधानी है थिंपू तो यहीं की राजधानी है देखिए याद रखेंगे अगला फलों के रसों से आ, के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उनमें से क्या मिलाया जाता है मतलब उनके रस हमेशा अच्छे रहें खराब ना हो क्या मिलाते हैं नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल या फिर फार्मिक अम्ल फटाफट एकदम डेली रिवीजन कीजिए दोस्तों रिवीजन ही बचा हुआ है आपके पास समय नहीं है रिवीजन करने के लिए टाइम है तो बस रिवीजन कीजिए सुबह शाम दिन रात जिससे कि आप लगातार क्वेश्चन को कर पाए ठीक है तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी फार्मिक अम्ल इज द राइट आंसर अगला देखिए गोल्ड पर्वत कहां पर स्थित है हा दे थे थी, दे गोल्ड पर्वत कहां पर स्थित दोस्तों तो इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ठीक है नेक्स्ट देखिए प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया ओके फटाफट आना चाहिए दोस्तों प्रयोगशाला में देखिए यूरिया का निर्माण किया है वोलहर ने ऑप्शन नंबर ए इज राइट वो लहर के द्वारा यूरिया का निर्माण किया गया अगला नेहरू परोहन संस्थान किस राज्य में स्थित है नेहरू हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं फाइव लाइक तक दबा दीजिए फटाफट तेजी से इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तराखंड इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से जाएगा तो उत्तराखंड अगला देखिए कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है देखिए क्लास में रेगुलर ले रहा हूं किसी भी दिन में छोड़ नहीं रहा हूं आपको डेली पे में करा रहा हूं। डेली पे अपने आप में आप लगातार देखेंगे, जिनका भी है। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं तो यस यूर राइट एथिल द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अगला देखिए दोस्तों स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है स्पाइडर का अध्ययन बताइए निम्नोलॉजी जी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में देखिए आपका इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एरैनो पे जिसमें स्पाइडर का अध्ययन किया जाता है अगला देखिए कोयले की खान में कौन सी गैस निकलती है कोयले की खान में कौन सी गैस निकलती है एथेन मेथेन ब्यूटेन या फिर प्रोपेन एक्चुअली आज मुझे थोड़ा जाना भी पड़ेगा जल्दी मैं थोड़ा क्लास खत्म करूंगा एक कह लीजिए भाई है अपना जो बालू चढ़ा रहा है छत पे उसको खाना देना है वही मम्मी अभी आई थी बोली इसको खाना खिला दो तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी खत्म कर रहा हूं ठीक है तो आप लोग रिविजन कर लीजिएगा खुद से भी इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेथेन इज द राइट आंसर बहुत मेहनत कर रहा लड़का सी एच फोर ना आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पहला यू आई डी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया पहला यू आई डी कार्ड जो जारी किया गया किस राज्य में केरला कर्नाटका महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका महाराष्ट्र पहला जो जारी किया गया महाराष्ट्र महाराष्ट्र के सीएम कौन है उद्धव ठाकरे गवर्नर कौन है दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी चीफ जस्टिस कौन है दीपांकर दत्ता आगे बढ़ते हैं सबसे हल्का गैस कौन सा है सबसे हल्का गैस कौन सा है एकदम एकदम सही है आप लोग के आंसर हिलियम नाइट्रोजन मीथेन हाइड्रोजन अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि आ, हवाई जहाज के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है हवाई जहाज के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है इन सभी ऑप्शनों में से तो क्या बताएंगे तो याद रखेंगे नाइट्रोजन इज द राइट आंसर नाइट्रोजन ठीक है हवाई जहाज के में तो यहाँ पे हाइड्रोजन है कहीं ना कहीं सबसे हल्का है यहां पे डी इज राइट सॉरी सॉरीयम होगा पे राइट आंसर होगा गलत हो गया है हाँ, होगा अगला हवाई द्वीप की खोज किसने की थी हवाई द्वीप की खोज किसने की थी बढ़िया बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास इस क्वेश्चन में सेंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स कुक इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नेक्स्ट देखिए सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है सूर्य के ताप को हम किससे मापते हैं पॉली पे ऑडियोमीटर पे कैंडेला पे या फिर पायरो पे तो, तो सूर्य के ताप को हम लोग मापते हैं इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा देखिए आपका राइट आंसर पायरोमीटर पे मापते हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट पायरोमीटर पे अगला देखिए विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहां पैदा की जाती है विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहां पैदा की जाती है ताइवान म्यांमार इंडोनेशिया फिर नेपाल में जय महाकाल जय महाकाल जी सही आंसर हो जाएगा यहां पे देखिए ताइवान में ऑप्शन नंबर कहां पे ताइवान में अगला देखिए विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं विद्युत चुंबक जो है किससे बनाए जाते हैं पिटवा लोहा ढलवा लोहा नर्म लोहा या फिर सख्त लोहा तो विद्युत चुंबक दोस्तों आपके नर्म लोहा से बनते हैं ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से हो जाएगा नर्म लोहा अगला देखिए सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई सबसे पहला दोस्तों किया गया था 1975 सन 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ठीक है तो याद रखिएगा अगला देखिएगा क्वेश्चन सर्वाधिक क्रियाशील तत्व तो क्या है सर्वाधिक क्रियाशीलशील तत्व तो क्या है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या फिर आयोडीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या फिर आयोडीन सही आंसर दोस्तों हो जाएगा क्वेश्चन में राइट आंसर आपका देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन इज द राइट आंसर ना नेक्स्ट देखिए दोस्तों मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है मनी प्लांट जो है किस भारतीय बैंक 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 का एटीएम नेटवर्क है कोटक महिंद्रा पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक या फिर मनी प्लांट तो यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर दोस्तों कर्नाटका बैंक ऑप्शन नंबर यहां पर डी से जाएगा यहां पर ठीक है अगला देखिए भारत में सर्वाधिक चीनी मिलों की संख्या किस राज्य में अवस्थित है सबसे ज्यादा चीनी मिल कहां पर महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश हरियाणा या फिर बिहार आप लोग मुझे पता है उत्तर प्रदेश आंसर करेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश आंसर नहीं होना चाहिए इसका ना गन्ने का वैसे सबसे ज्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में लेकिन चीनी मिलों के लिए महाराष्ट्र इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ठीक है गन्ना गेहूं इन सभी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया राष्ट्रीय कृषि जय महाकाल जय महाकाल बहुत बड़ा महाकाल लिख दिया आपने जी सोनू कुना कुमार जी करेक्ट आंसर दोस्तों आ गया पे 1999 ठीक है तो ये थी दोस्तों आज की क्लास आज मैं क्लास थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ आई नो नहीं तो मैं डेढ़ घंटे के आसपास क्लास लेता ही हूँ अभी तिरपन मिनट ही हुआ है क्लास के तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा थोड़ा सा मुझे काम है लेकिन मैं किसी भी दिन क्लास आपका छोड़ नहीं रहा हूं मिस नहीं कर रहा हूं आप लोग रिविजन करते रहिए रिविजन कभी मत छोड़िएगा टेस्ट लगाते रहिए मैथ रीजनिंग को देखते रहिए जो भी आपका वीकर सेक्शन है उस पर काम कीजिए जो कमजोर लगता है वो और जीके जी एस कर इंटरफेयर्स का रिविजन हमेशा कीजिए क्योंकि रिविजन से आपको फायदा यह है कि आपके पास ए बी सी डी चार ऑप्शन मिलेंगे आप लगातार पढ़े रहेंगे तो हंड्रेड आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि इन चारों ऑप्शन में मैंने यह पढ़ा हुआ और यही वाला आंसर सही है तो आपको लगातार याद भी चीजें

आप इसे ले सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसको आप ले लीजिएगा और 100 परसेंट उससे रिविजन कीजिए पढ़िए आगामी एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन उससे बन रहे हैं मैं इस चीज की गारंटी कर रहा हूं करंट अफेयर्स पूरा दो मैंने कैप्चर किया है पूरा का पूरा दो ठीक है एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं छूटे हैं आपको इंपॉर्टेंट डे मिल जाएगा थीम मिल जाएगा नदियां मिल जाएंगी झीने मिल जाएंगी वन और पात लोकसभा सीट राज्यसभा सीट इन सब चीजों के अलावा मतलब करंट अफेयर्स के अलावा भी इन सारी चीजों को मैंने उसमें ऐड किया है तो आप लोग जरूर लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हर हर महादेव थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का जल्दी मुलाकात होगी सुबह आठ बजे कर जय हिंद वंदे मातरम आज थोड़ा मैं जल्दी जा रहा हूँ ना आज मुझे क्षमा कीजिएगा लेकिन मैं जल्दी जा रहा हूँ थैंक यू बाय टेक केयर